हेलो एवरीवन, जय हिंद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स. टुडे वी विल गो थ्रू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ द लास्ट टू पैराग्राफ्स ऑफ द पोयम कीपिंग क्वाइट ऑफ क्लास 12th इंग्लिश. एंड बिफोर डिस्कसिंग दीज टू पैराग्राफ्स, लेट अस रिवाइज द प्रीवियस वन. इन दोज पैराग्राफ्स द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे द मैसेज दैट वॉर ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन एंड लीव्स नन टू सेलिब्रेट विक्ट्री. No one can gain anything by waging wars. Which wars? Green wars. Wars with fire. Wars with gas. And he further said that to put on clean clothes, which symbolizing shedding their evil ways. अपनी बुरी आदतों को खत्म करो, उतार दो, और क्या पहन लो? अच्छी आदतों को पहन लो. To make peace with their brothers. खून खराबा नहीं करो, मत करो ये सब, शांति लाओ. Those who wages war would be cleansed of all the mark and dirt from their minds. पोएट ने हमें यह भी बताया था कि जिंदगी क्या है. जिंदगी तो ऐसी है कि जिसे जी भर कर जीना चाहिए. लाइफ इज अबाउट लिविंग इट टू द फुलेस्ट. पोएट ने यह नहीं कहा था कि टोटल इनएक्टिविटी आनी चाहिए. It is not meant for wasting it by sitting idle. उसने तो ये कहा है कि थोड़ी देर के लिए अपनी सारी एक्टिविटीज को रोक दो. For a few seconds, stop all those activities which are doing destruction on the earth. Stop it. कहता है हमें हमेशा चलते ही नहीं रहना चाहिए, बल्कि थोड़ी देर के लिए आराम भी करना चाहिए, चुप रहना चाहिए. The poet is advocating for silence or stillness. Stillness should not be confused with total inactivity. Now come to the next paragraph. If we were not so single-minded about keeping our lives moving, here we is referred to human beings. We refers to human beings. We are narrow-minded. Single-minded. Single-minded means narrow-minded है हम. So being narrow-minded, we think only of our progress, about keeping our lives moving. तो हम क्या है? अगर हम narrow-minded हैं, हम single-minded हैं, तो हम क्या करते हैं? हम क्या सोचते हैं? हम सिर्फ अपने progress के बारे में सोचते हैं, अपने improvement के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं. जैसे हम selfish हो गए हो. And he further says that people are continuously working to achieve their task or goal. कीप कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं, कीपिंग अवर लाइफ्स मूविंग. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो टास्क ओरिएंटेड हो गए हैं, वो अचीव करना चाहते हैं सब कुछ मरने से पहले. वो ये चाहते हैं सब कुछ पालू मैं, ये रह गया, वो रह गया, ये सारी चीजें वो अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं कि कहीं मैं पहले ना मर जाऊं, इससे पहले सब कुछ पालू. सो ऑल ह्यूमन बींग्स वर्क एंडलेसली विद द एम ऑफ कंप्लीटिंग ऑल देयर टास्क. They are driven by the target of survival and the threat of death. So they are in a mad rush to accomplish all their tasks. And for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness. उसके बाद poet कहता है, ये सारी चीजें छोड़ दो. So the poet warns us to avoid all our activities for some time. एंड इंट्रोस्पेक्ट. सोचो अंदर अपने बारे में, सोचो तभी तो आपकी ये जो सैडनेस है वो खत्म होगी. कब होगी? थोड़ी देर के लिए शांत तो हो जाओ. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस. कुछ मत करो. फॉर वंस कुड डू नथिंग. कुछ भी मत करो तो शायद ये जो एक साइलेंस है, ये ह्यूज साइलेंस जो है, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस. तो ये जो साइलेंस है जो आएगा ये आपकी थोड़ी देर के लिए, वो शायद हो सकता है आपके दुख को दूर कर दे. कौन सा दुख? वो दुख कि आपने क्या नहीं पाया, और वो दुख आपने कौन कौन से गलत काम कर दिए, और वो दुख कि मुझे अब क्या करना चाहिए इसके लिए. तो आपको सोचने का टाइम तो मिलेगा. दिस सैडनेस. तो कुछ मत करो, एक ह्यूज साइलेंस लेकर तो आओ पहले. सो द हियर
the poet urges to stop for a while and take some moment to relish on what they have achieved till now. अब तक उन्होंने क्या अचीव कर लिया, उस वो अब आपको टाइम मिल गया क्योंकि आपने एक ह्यूज साइलेंस लिया है थोड़ी देर के लिए, तो आपको सोचने का टाइम मिला है कि मैंने क्या खोया क्या पाया. एवरीवन हियर इज लिविंग अ लाइफ इन विच ही वांट्स टू अचीव वेरियस थिंग्स वन आफ्टर अनदर, बट नाउ द पोएट सेज इट इज द टाइम टू स्टॉप एंड सी व्हाट हैज बीन अचीव्ड एंड शुड बी एंजॉयड. This will help us to skip the sadness of not enjoying what we have achieved, and the greed to achieve what next is in the list to be achieved. There is sadness in our lives because we don't understand ourselves. ये सब क्यों है, ये दुख क्यों है, क्योंकि हम एक अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं. So the silence can take us out of our sadness. ये साइलेंस ही है जो ये सारे दुख मिटाएगी हमारे. ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्फ एंड ऑफ थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ. द पीपल शुड नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ एंड कैन नॉट बी अवॉइडेड. इट इज अ ट्रूथ टू बी एक्सेप्टेड दैट वन हु हैज कम हैज टू गो वन डे. तो उनको अपनी मौत से डरना नहीं चाहिए. थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, यहाँ ये जो वर्ड आया है थ्रेटनिंग अवर सेल्फ विद डेथ, तो ये जो इंसान है मैन के बारे में कहा जा रहा है थ्रेटन्स हिमसेल्फ विद डेथ. वो अपनी मौत से बहुत डरा हुआ है ड्यू टू हिज ओन रैश एंड हेस्टी एक्शंस. उसने जो भी गंदे काम किए हैं, बुरे काम किए हैं, अपनी उसने जो कुछ भी किया है, शायद हो सकता है उसने किसी का खून किया हो, शायद हो सकता है उसने किसी से फाइट की हो, कुछ भी हो सकता है. He has created disaster for himself. इंसान मौत से डरता है और इसलिए अपनी मौत से पहले ज्यादातर चीजें हासिल करना चाहता है. वो अपने आप को समझ नहीं पाया अभी तक. क्यों नहीं समझ पाया? तो ये समझेगा कब? जब आप थोड़ा सा समय दोगे अपने आप को चुप करने का, तभी आपको ये सारी जितनी भी चीजें आपने की हैं, ये जो सैडनेस है वो उसके बारे में आप सोचोगे जब आप इंट्रोस्पेक्ट हो जाओगे. सो थ्रू दिस सैडनेस पोएट इज ट्राइंग टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द रीडर्स टूवर्ड्स द क्रूएल इनह्यूमन नेचर ऑफ द ह्यूमंस विच स्टिल एग्जिस्ट एट अ लार्ज स्केल. द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स इज टू ह्यूमन बींग्स नॉट अंडरस्टैंडिंग द एसेंस ऑफ देयर लाइव्स विच इज टू मेंटेन पीस एंड ब्रदरहुड. There is a mad rush to do everything before one dies. Wars takes place and destroy mankind. So, if people pause for a moment, think and recognize themselves, the world would be a better place to live in. The poet refers to the sadness of failing to understand oneself in their busy life. He also finds it sad that humanity is moving towards its own ruin. Mindlessly, destructive activities cause sadness in our lives. Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Ab yahan pe poet invoke karta hai. The poet invokes the earth as a living thing, as a living symbol to prove his point. क्या कर रहा है वो प्रूफ, ये बता रहा है द अर्थ कैन टीच अस हाउ टू लिव ऑन इट. वो बता रहा है कि अर्थ ही तुम्हें सिखाएगी कि कैसे रहना चाहिए. ओनली द अर्थ रिमेन्स अलाइव व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड. सिर्फ अर्थ ही रह जाएगी जब सब कुछ खत्म हो जाएगा. खत्म कैसे होगा? ये इंसान ही तो कर रहे हैं सब कुछ. जानवरों को मारना, पेड़ काटना, ये सारी चीजें कौन कर रहा है? फिर भी अर्थ जो है वो चुपचाप सहती रहती है सब कुछ. आपने देखा है विंटर सीजन में हर चीज एक जगह हो जाती है, बर्फ जम जाती है, बहुत सी जगहों पर बर्फ जम गई है, तो वो क्या है? दैट इज ऑल्सो स्टिलनेस. और उसके बाद फिर से सीजन आता है, अर्थ लाती है सीजन, नया सीजन आता है. तो उसकी साइकिल तो चल रही है, लेकिन कैसे चल रही है? शांति के साथ चल रही है. द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी. नेचर रिमेन्स एट वर्क ऑल द टाइम.
even under apparent stillness. It keeps earth alive. The earth continues to nurture life despite all the harm done to it by man. इंसान के द्वारा जितने भी नुकसान किए गए हैं फिर भी वो जिंदगी चलाती रहती है. It remains calm and quiet, and this is the lesson we should learn from it. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. इधर पोएट ने ये बात कह दी है कि चलो अब मैंने आपको एक मैसेज दे दिया है, मैंने कन्वे कर दिया है मैसेज आपको. अब मैं गिनती गिनना शुरू करूंगा एंड यू कीप क्वाइट, शुरू कर दो चुप होना थोड़ी देर के लिए, एंड आई विल गो, और मैं जाऊंगा, मैं यहां से चला जाऊंगा. कम टू द लिटरेरी डिवाइस ऑफ द पोएम, एलिट्रेशन. इन द फर्स्ट लाइन इट इज डब्ल्यू एंड एस वी वर, डब्ल्यू डब्ल्यू इज रिपीटिंग हियर एंड एस एस सो सिंगल, सो द लिटरेरी डिवाइस इज एलिट्रेशन हियर. I hope you understood my poem, the explanation of the poem. I will be back with a new poem in the next video. Thank you.